आवाज आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा अमीन जिंदानी साहब, आप अपना तारुफ करवाइए। तो मेरी खिदमत के अंदर तकरीबन मैं दोनों टांगों से माजू हूँ, ठीक है, दोनों टांगों से माजू हूँ। तो मुझे ये टाइटल मिला गया है हुजूर मुखी का। आपको टाइटल मिला है हुजूर मुखी का, लेकिन आप कभी मुखी नहीं रहे जमात खाने के। नहीं, तो मैं आप अच्छा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, मैं तालीम दे चुका हूँ, मुखी नहीं रहे। ओके, तो आपको जो है वो टाइटल किस बिना पे दिया गया, आपने क्या खिदमत की थी इस्माइली जमात की? अच्छा, अच्छा, आप जो माजूर हैं, आप माजूर हैं तो क्या पैदाइशी हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ था, क्या हुआ था? ये 10 साल की उम्र में तकरीबन टाइटों के अंदर निकाल में मेरे 3 बच्चे अपने शादी शुदा। अच्छा माशाल्लाह, आपके 3 बच्चे हैं, आप शादी शुदा हैं, लेकिन आपका जो पैर का मसला हुआ वो 10 साल की उम्र से हुआ आपको? 10 साल की उम्र में हुआ। कितने में, सॉरी? 10 साल की। 10 साल की उम्र में, तो माशाल्लाह आप भाभी ने शादी कर ली है, देखें बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह आपके 3 बच्चे भी हैं। हुजूर मुखी होता क्या है, जरा मुझे बताइएगा कि आप खुद को हुजूर मुखी क्यों बुलाते हैं? हुजूर मुखी क्यों बुलाते हैं? मेरी 25 साल की खिदमत है। कितने साल की? 25 साल। 25 साल की। तो आगे भी मतलब काउंसिल वाले ये खिदमत का टाइटल देते है, ये टाइटल दिया है हुजूर मुखी का, उसके लिए मुझे हुजूर मुखी खिलाते है। मैं खिदमत के अंदर सुबह शाम जमा खाने के अंदर मैयत कमेटी के अंदर जितना मैं खिदमत अंजाम देता था उसको मुझे हुजूर मुखी का टाइटल मिला। अच्छा, मुझे हुजूर मुखी का जेब खिलाता है। मैं एक दिन में जमा खाने भी करता, नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं नमाज से ही चालू है, नमाज में ही पाबंदी है, मैं नमाज की पाबंदी से पढ़ता हूँ मैं 5 टाइम की। आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हुजूर मुखी हैं, नमाज कहाँ पढ़ते हैं? जमात खाने के अंदर पढ़ते हैं, मस्जिद जाके पढ़ते हैं ना, जमात खाने में तो नहीं पढ़ने की इजाजत ही नहीं है, तो हम सब जानते हैं। तो आप जो है वो माजूर हैं, लेकिन 5 वक्त की नमाज जाके आप मस्जिद में पढ़ते हैं, तो आप फिर आप इस्माइली तो नहीं हुए ना? मजहब को भी साथ लेके चलते, पहले अल्लाह फिर मौला। अच्छा, तो मौला ने तो कहा है कि तुम्हें दुआ पढ़नी है, नमाज नहीं पढ़नी है। कहाँ बोला है, कहाँ बोला है मौला ने, कहाँ बोला है? कुरान में तो लिखा है, कुरान में लिखा है, तभी तो सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जकात देते हैं, हज पे जाते हैं। लेकिन इस्माइली आगा खानी जो है वो अपने इमाम की बात मानता है ना, तो आप अपने इमाम की बात क्यों नहीं मानते? पहले मुसलमान की बात मानते हैं, क्या बोला आपने? पहले मुसलमान बाद में इस्माइली। अच्छा, तो आपके जो इस्माइली मजहब है उसमें जो है वो वजू नहीं होता, नमाज नहीं होती, रोजा नहीं होता, हज नहीं होता, तो आप जो है वो कौन सा रोजा होता है? रोजा भी हमारे इस्माइली लोग रखते हैं, ये नहीं कहे इस्माइली रोजा नहीं रखते, ये भी
कौन सा रोजा रखते हैं? रोजा नहीं रखते, मैं खुद मैं आपको बता रही हूँ, आपके इमाम का फरमान है। देखे देखो अमीन अमीन एक सेकंड अमीन, बच्चे पीछे जरा शोर कर रहे हैं, मगर आप आपकी आवाज ही बड़ी कम आ रही, जरा आप करीब कीजिएगा अपना फोन। आपको अमीन भाई आपको वो आती है, इंग्लिश आती है? हाँ, तो मसला ये है कि आपको इंग्लिश नहीं आती और आपके इमाम को उर्दू और गुजराती नहीं आती, तो वो जो फरमान करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, और इंग्लिश में अगर आपके इमाम की वेबसाइट्स पर जाइए, इस्माइली हेरिटेज पर, ठीक है, मुझे आप, अच्छा आपको वो वाकया पता है किला अला मूत में क्या हुआ था, अला जिक्र सलाम के टाइम पर क्या हुआ था? आपको नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि आपके 23वें इमाम कौन से? आपको आपके 23वें इमाम का पता है? तेईसवें इमाम, 23वें इमाम का नाम पता है आपको, आपके 23वें इमाम का? 23वें इमाम तो याद नहीं है, देखना पड़ेगा। आपके 23वें इमाम का नाम था अला जिक्र सलाम, हसन दो, हसन दो जो था, दोइम जो था, उसका उसका टाइटल था अला जिक्र सलाम। वो आपके 23वें इमाम हैं जो दाई के बेटे थे, ठीक है, वो पहले दाई के बेटे थे, फिर उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो इमाम बन गया हूँ, मुझे इमाम बना दिया गया है। उन्होंने जो है वो रमज़ान की 17 तारीख को, 17 रमज़ान को रोज़े की हालत में तमाम इस्माइलियों का रोजा तोड़वाया था, यह आपकी किताबों में लिखा हुआ है। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? ये आपकी इस्माइली हिस्ट्री एंड डॉक्ट्राइन्स में लिखा हुआ है। फरहाद दफ्तरी जो आपके इमाम का कजन भी है, उसने जो है वो इस्माइलियों की हिस्ट्री को जमा किया है और उसने ये किताब में लिखा है। उसके अलावा आपके जो बहुत मशहूर मिशनरी हैं खलील अंदानी, उसने अपने लेक्चर में भी बताया है कि हमारी हिस्ट्री में ये हुआ, कायमुल कयामा जो था ना वो आपके टाइम पे कायमुल कयामा हुआ था, यानी कयामत आ गई थी, पता है आपको? तो जब कयामत आ गई थी तो क्या कहा था आपके इमाम ने कि अब तुम्हारे ऊपर शरीयत की पाबंदी नहीं रही, शरीयत की तमाम बंदिशों से हमने तुम्हें आजाद कर दिया है, अब तुम्हारे लिए वजू, काबतुल्ला का हज और रमजान के और रोजे तुम्हारे खत्म कर दिए गए, ये आपकी किताबों में लिखा है। अगर मैं साबित कर दूं तो क्या आप इस चीज को कहेंगे कि आपके इमाम ने गलत किया था? मैं अगर आपको साबित कर दूं, मैं लिख देती हूं आपको। इंग्लिश पढ़ाएंगे किससे वैसे? आप किससे कहेंगे इंग्लिश? पेपर, ठीक है, मैं आपको काम करती हूँ, पूरी किताब भी भेज देती हूँ, इस आवर इस्माइली हिस्ट्री एंड डॉक्ट्राइन्स डॉक्टर फरहाद दफ्तरी की है, और मैं उसको आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी और मैं ही आप पर जो है उसको ट्रांसलेशन भी करूंगी, क्योंकि मेरा मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको किसी तरीके से ये बोलूं कि आप गलत हैं, मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि आपकी आंखें अभी तक बंद है, समझ रहे हैं अमीन भाई? अगर आपकी आंखें, अच्छा अमीन भाई, अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप जमात खाने में जब अपने इमाम को पुकारते हैं तो क्या ये शिर्क नहीं होता? तो फिर आप क्यों पुकारते हैं, क्यों पुकारते फिर इमाम को? हाँ, वो भी अल्लाह को मानता है, हम भी अल्लाह को मानते हैं, तो कभी ऐसा तो नहीं होता अमीन भाई कि आप अपनी बीवी को या अपने बच्चों को जो दूर बैठे हुए हैं उनको घर बैठ के पुकारो कि ऐ मेरे बेटे, यानी अमीन के बेटे या अमीन की बेटी, मेरे लिए ये कर दे,
तो हालांकि वो जिंदा है लेकिन वो आपकी आपकी पुकार नहीं सुन सकती। पुकार सुनने वाला कौन है? अल्लाह सुबहान तआला। जब अल्लाह हमारी हर पुकार सुनते हैं तो आप अपने इमाम को क्यों पुकारते हैं? क्या ये शिर्क नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। जब शिर्क है तो फिर आप क्यों पुकारते हैं अपने इमाम को? अल्लाह का बंदा तो आप भी हो, अल्लाह की बंदी तो मैं भी हूं, तो आप मुझे भी पुकारोगे कि अमीन भाई? हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं, हम अब्दुल्ला हैं, हम अब अल्लाह के अबद हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, उसके सर्वेंट हैं, हम सब उसके सर्वेंट हैं। तो क्या आप मुझे पुकारना शुरू कर दोगे, मैं आपको पुकारना शुरू कर दूंगी? ऐसा तो नहीं होता। नहीं तो शिर्क है मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जब शिर्क आप मान रहे हैं, ये शिर्क है, तो फिर क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। मैंने तो आपको बता दिया है भाई, देखिए सबके मतलब अलग अलग है। मजहब अलग अलग है ना, इस्लाम मजहब नहीं है ना फिर। देखो अमीन भाई, आप मुझे कहते हो मैं नमाज पढ़ता हूँ और मैं जमात खाने भी जाता हूँ। जाते ना जमात खाने? बिल्कुल जाता हूँ मैं। जमात खाने जब जाते हैं अमीन भाई, तो वहां पर आप क्या बोलते हैं? या नूर मौलाना शाह करीम अल कुल अल हुसैनी कुल जमात की गुनाह माफ फरमा, या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी कल गद जमात के गुनाह बख्श बरकत अता फरमा, बोलते हो ना? हाँ, तो जब बिल्कुल बोलते हो या नूर मौलाना शाह करीम, तो वो तो खुद पोर्चुगीज बैठा हुआ है, दूसरी कंट्री बैठा हुआ है, वो आपकी पुकार या आपकी दुआ कैसे सुन सकता है? सुनता तो अल्लाह सुबहान तआला है ना। तो फिर जब पता है कि ये शिर्क है, पता है जमात खाने जाके शिर्क किया जाता है, तो आप क्यों जाते हो, मुझे ये बताओ। फोन रख दिया? फोन रख दिया। दोबारा मिलाऊं कि नहीं, क्योंकि थोड़ी सी इनकी आवाज भी डिस्टर्ब हो रही थी। अच्छा ये मुझे, मैं आपको वीडियो भेज दिखाती हूँ, इन्होंने वीडियो भेजी है और उस वीडियो में आगा खान की फोटो चल रही है और पीछे ये चल रहा है। मैं चला ही देती हूँ, ये कॉपीराइट ना लग जाए। कॉल हिम करूँ? ये मुझे इन्होंने भेजा था, इस पे आगा खान की फोटो चल रही है और ये चल रहा है कि वो जो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, वो तो चाहे तो किस्मत की लकीरें बदल सकता है। मतलब फिर अल्लाह और हाजिर इमाम में फर्क क्या रहा? कॉल करती हूँ मैं लैला खोजा। ओके, आई हैव सीन इट। इंटरनेट ऑफ कर दिया उन्होंने अपना। इनवाइट लिंक सेंड करी हूँ, इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन मी दे कैन ज्वाइन राइट नाउ। ज्वाइन कीजिए अगर आपको कोई बात करनी है, क्योंकि 13 मिनट हो चुके हैं। आगा खानिज्म डिबेट 2, ये हमारा सेकंड चैनल है, बैकअप चैनल है। इस पे सारी डिबेट्स जो हैं वो आज के बाद लगा करेंगी, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अचानक से, जैसे अभी ये हमारे हुजूर मुखी साहब आए थे और अचानक से डिस्कशन रख ली गई है, तो इस पर भी आपको अचानक से नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये फोन नहीं उठा रहे। एक दूसरी डिस्कशन है, वो मैं चला देती हूँ अगर आप लोग सुनना चाहें, लेकिन वेट फॉर इट, उसको मैंने कुछ जो है ना काबिल तवज्जो। हुजूर मुखी अमीन जिंदानी को किसने इख्तियार दिया कि वो मसोलीन के सवालात, मुसलमानों के जब सवालात आगा खान निज़ाम की तरफ से मुशरिकाना दे? तवज्जा फरमाए, किसी ने मुझे मैसेज किया था। लाइव डिबेट्स पे अभी आप आ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई नहीं आया तो मैं ये प्रोग्राम ऑफ कर दूंगी। जवाब नहीं बेचारे के पास। मुझे हैरत इस बात की हो रही है लैला कि ही नोज दैट ही इज डूइंग शिर्क, वो शिर्क कर रहे हैं, उसको पता है कि मैं जमात खाने जाके क्या कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफद्दल बोरा भी आ गए माशाल्लाह से। आपके पीछे शोर आ रहा है शायद, देखिए मेरे पीछे अब सही हो गया, वो पीछे वायर्स की अब सही है। अच्छा मैं कह रहा हूँ हुजूर मुखी है, इनको टाइटल मिला हुआ है। हुजूर मुखी तो बहुत बड़ा टाइटल होता है, जैसे वजीर टाइट, जैसे वजीर टाइटल होता है। हाँ इनके यहाँ जो है ना, इनके हाजिर इमाम टाइटल भेजते हैं इनको, तो जिसकी जितनी खिदमत होती है उतना बड़ा टाइटल मिलता है ना। दूसरा वजीरी टाइटल है और एक हुजूर मुखी टाइटल होता है, तो इनको हुजूर मुखी का टाइटल मिला हुआ है।
समझे कि काफी ये हार्ड कोर स्माइली है जिससे अभी आपके बात हुई थी। लेकिन कमर समद भाई वो ये कह रहे हैं कि मैंने कभी भी ऐसा मुखी काम नहीं किया, बस मैं जमात खाने में बहुत सारी खिदमतें की हैं, उसकी वजह से जो है वो मेरे मुझे ये टाइटल मिल गया। हाँ, उसी वजह से ऐसे ही टाइटल मिलता है जिसकी जब 25 साल की खिदमत होगी तो टाइटल मिला होगा। तो ऐसा है ना कि ये लोग तो कुरान के अच्छे अच्छे अल्फाज उठा के फिर बांटते भी हैं, और इनका कॉन्सेप्ट तो कुरान की तशरीह यही है ना कि अच्छे अच्छे अल्फाज उठाओ। और मैं जिस हिसाब से आपको एग्जांपल दूं कि जब मैं हम लोग वाइस सुनते थे जमात खाने में तो सूरह कौसर पढ़ी गई, इन्ना आते ही ना कल कौसर, तो कहते थे हमारी इमाम की नस्ल कौसर है। फिर सूरह कदर पढ़ी, इन्ना अंजल नौ फी लैलतुल कदर वाली, तो बोले कि फरिश्ते कहाँ उतरते, तो इमाम के घर पे उतरते हैं। तो मतलब इनकी सारी तशरी जो है ना वो इमाम के अंदर ही घुस के फट जाती है। मतलब एंड वही है कि तशरी